कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है और कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन यहाँ पर भारत एक कृषि प्रधान देश नहीं जाति प्रधान देश देखने को मिलता है। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं, यहाँ पर जातिवादी उत्पीड़न एक दलित को एक ठाकुर किस तरह से कुएं पर पानी भरने से रोकता है, एक दलित को ठाकुर या ब्राह्मण किस तरह से फुटबॉल की तरह लात मारते हैं और घसीटते हैं, एक दलित को मंदिर में घुसने पर किस तरह से उसके साथ खिलवाड़ किया जाता है, एक दलित को घोड़ी पर बैठने से कैसे उसके साथ मारपीट की जाती है, एक दलित को मूंछ रखने पर कैसे उसकी पिटाई की जाती है, उसको कैसे मार दिया जाता है, एक दलित बच्चे को बड़ा छूने पर कैसे उसकी हत्या कर दी जाती है, यह यहाँ पर राष्ट्रीय खेल है। यानी कि दलितों के साथ जितना हो सके उतना खेलो और राष्ट्रीय मुद्दा बनाओ, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। और हम उत्तर प्रदेश की बात कहें तो उत्तर प्रदेश के अंदर ठाकुरवाद चरम पर है, जिसको लेकर नेशनल जनमत के संपादक नीरज भाई पटेल मुखर आवाज उठा रहे हैं। हाल फिलहाल में जो मंगेश यादव को एनकाउंटर किया गया, यह मुद्दा भी काफी जोरों पर है और जिसको लेकर सरकार पर यानी ठाकुर सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में जातिवादी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही, खासतौर पर यहां पर ठाकुरवाद चरम पर है। वहीं यूपी के मैनपुरी में ठाकुरों ने एक दलित नाबालिग बच्चे को बंधक बनाकर लाठियों से बुरी तरह पीटा, बचाने आए परिजनों को भी पीट पीट कर घायल किया। यह मामला बहुत तेजी से सुर्खियों में है। पीड़ित का आरोप है कि उनके बच्चे खेलते खेलते धर्मवीर ठाकुर के मकान के पास बने हुए मंदिर के पास पहुंच गए थे और उन पर चोरी का इल्जाम लगाकर बुरी तरह पिटाई कर दी। आपको हम पूरा मामला बता दें कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के बेबर थाना क्षेत्र के गांव दोदापुर में दबंगों द्वारा यानी स्वर्ण ठाकुरों द्वारा नाबालिग बच्चों पर मंदिर से चोरी का आरोप लगाकर उन्हें बुरी तरह पीटा गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों को भी नामजदों द्वारा जाति सूचक गाली गलौज करते हुए लात घूसों से लाठी डंडों से नीचे गिरा गिरा कर पीटा गया, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई है। पीड़ित द्वारा मामले की तहरीर थाने में दी गई थी, वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई थी। हम आपको बता दें कि मामला पिछले महीने का है, 26 अगस्त को FIR दर्ज भी की गई थी, लेकिन उसके बाद भी पीड़ित परिवार को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, जो कि न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मामले की तहरीर देते हुए ग्राम दोदापुर निवासी प्रदीप जाटव पुत्र लालाराम ने बताया था कि उनका पुत्र प्रशांत, राजपुत्र उमेश जाटव व निशांत पुत्र लालाराम सुबह खेलते खेलते गांव के ठाकुर धर्मवीर सिंह के मकान के पास बने मंदिर में चढ़ गए थे, जिस पर धर्मवीर पुत्र लल्लू सिंह, शरद पुत्र महावीर सिंह ने बच्चों पर चोरी का आरोप लगाकर उन्हें बंधक बनाकर बुरी तरह से पीटा था, जिसकी सूचना जब परिजनों को मिली तो उनके पिता लालाराम, पत्नी राधा, सुषमा देवी, पत्नी उमेश कुमार की मौके पर पहुंचे, जहां देखा कि उन लोगों द्वारा बच्चों को बंधक बनाकर बुरी तरह से पीटा गया था। परिजनों को देखते ही दबंग लोग जाति सूचक गाली गलौज करने लगे। मना करने पर उन्होंने सभी लोगों को बुरी तरह पीटा, जिससे सभी लोग घायल हो गए और पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी, लेकिन अभी तक एक महीना बीत गया है, कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अभी तक उन परिवार को इंसाफ नहीं मिला। थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने बताया था कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यहां पर सामने आया कि कॉम्प्रोमाइज करने की पूरी पूरी दबाव बनाया जा रहा है कि समझौता कर ले पीड़ित परिवार, क्योंकि SC ST एक्ट भी लगाया गया है। उन ठाकुरों ने गांव के प्रधान के साथ मिलकर समझौता करने का दबाव बनाया, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि मान सम्मान स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं है, ऐसे लाख दो लाख रुपए पर हम लात मारते हैं, क्योंकि इन पैसों से हमारा मान सम्मान स्वाभिमान वापस नहीं आएगा और ये हमारी लड़ाई मान स्वाभिमान सम्मान की है, जो कि सदियों से चल रही है, ऐसा पीड़ित परिवार का कहना है। और इसकी चारों तरफ वाहवाही की जा रही है कि पीड़ित परिवार जो कि समझौते से पीछे हट रहा है, समझौते को किसी भी प्रकार से नहीं मान रहा। हम आपको बता दें कि दलितों के साथ उत्पीड़न होता है,
दलितों के साथ इस तरह से जातिवादी घटनाएं हो जाती है, लेकिन कुछ परिवार दबाव में आकर समझौता कर लेते हैं। पीड़ित परिवार आरोपियों को सजा दिलाने के लिए अड़िग है, वह आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पूरी तरह से जोर लगा रहा है। इस घटना को लगभग एक महीना बीतने वाला है, लेकिन अभी भी पीड़ित परिवार ने कोई समझौता नहीं किया। इसी से सबक सीख लेना चाहिए उन डरपोक पीड़ित परिवारों को, उन डरपोक दलितों को जो कि समझौता कर लेते हैं, डर जाते हैं। और यहाँ मान सम्मान स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं है। लगभग एक महीना बीतने वाला है, लेकिन अभी भी पीड़ित परिवार डटा हुआ है अपने इंसाफ के लिए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए। वहीं हम आपको बता दें कि मैनपुर की वर्तमान सांसद डिंपल यादव, जो कि इस मुद्दे पर अभी तक किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। डिंपल यादव को भी इस पीड़ित परिवार के साथ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ठाकुरवाद चरम पर है। कहीं मंगेश यादव का एनकाउंटर, तो कहीं इस दलित जाटव परिवार के साथ इस तरह का जातिवाद। इस पर सभी को एक हो जाना चाहिए। इस घटना पर आपका क्या कहना है? इन मनुवादियों के खिलाफ दो शब्द जरूर लिखे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। देखते रहिए बीएच न्यूज नेटवर्क। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।